बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 5 दिवसीय दिल्ली दौरे के तीसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। ममता ने ये मुलाकात ऐसे समय में की जब विपक्ष की एकजुटता को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही, पेगासस, कृषि कानून और महंगाई के मुद्दे पर संसद ठप है। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया गांधी से मुलाकात सकारात्मक रही, विपक्षी एकता और पेगासस पर चर्चा हुई, मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा की गई, बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। ममता ने पेगासस को लेकर कहा कि सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है, संसद में सरकार जवाब दे। ममता ने सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि विपक्षी दलों की एकजुटता हो और कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों पर और क्षेत्रीय दलों पर विश्वास है। सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की मुलाकात हुई है और संभवतः आने वाले दिनों में हम विपक्ष की एकजुटता देख सकते हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी 5 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं और तीसरे दिन उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि ये मुलाकात काफी सकारात्मक रही, पेगासस और कृषि कानून को लेकर चर्चा की गई। राहुल जी इज ऑल्सो देयर, सो वी मेट, वी डिस्कस द पॉलिटिकल सिचुएशन इन जनरल एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट पेगासस टू कोविड सिचुएशन एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द यूनिटी ऑफ द अपोजिशन। सो ऑल वी डिस्कस, इट वॉज अ वेरी गुड मीटिंग, पॉजिटिव मीटिंग। आई थिंक द पॉजिटिव रिजल्ट मस्ट कम आउट इन द नेक्स्ट फ्यूचर। देखिए, बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। भैया यहाँ तक डालो यार कैमरा। हम थोड़ा लीडर है, हमको कैडर है। पेगासस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? पेगासस का रिप्लाई तो देना चाहिए, ये तो जनता ने जानने चाहता है। जनता को जानने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा होता है, जो पब्लिक हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा है। अगर लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी डिसीजन नहीं अनाउंस होता, अगर डिस्कशन नहीं होता, तो कहाँ पे चर्चा होगा? ये चर्चा चाय पे दुकान में नहीं होता है, चर्चा पार्लियामेंट में होता है। सिमडेगा क्षेत्र में नक्सली